समझ कि हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे उसमें आप स्टेडियम में यहाँ हम लोग इस वीडियो का अध्ययन करेंगे आप लोगों के निकाय की इंस्टीट्यूट कोई निकाय है सिस्टम है या कुछ चार्ज जो है बायबल के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें इसकी ऊर्जा जो है कहाँ सबसे पहले लिखा है कि वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या है एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थित ऊर्जा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जब दो विपरीत आवेश होते हैं जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें एक आकर्षण होता है लेकिन जब समान चार्ज हैं तब प्रतिकर्षण होता है अनंत जो है किसी आवेश को किसी दिन तक लाने में बायबल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं परिभाषा स्वरूप जो है परिभाषा स्वरूप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को वैसे अनंत पर फाइनाइट पर जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है शून्य होती है हमेशा याद रखिए अनंत पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाय की शून्य मानी जाती है अनंत पर निकाय की स्थिति अनंत पर निकाय की स्थिति ऊर्जा शून्य मानी जाती है अनंत पर निकाय की स्थिति ऊर्जा शून्य मानी जाती है ठीक है वैसे आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण उनके गुणों के आधार पर होता है और जब आवेश वैद्युत बल के विरुद्ध एक दूसरे के निकट या दूर ले जाए जाते हैं वैद्युत बल के विरुद्ध एक दूसरे के निकट ले आए या दूर ले जाए तो बाह्य बल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है और वह कार्य जो है निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित हो जाता है उसी को जो है हम आप वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं ठीक परिभाषा स्वरूप जो है देखिए आवेशों के किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा आवेशों के किसी निकाय आवेशों के किसी निकाय की ऊर्जा ऊर्जा आप जान ही रहे हैं ऊर्जा होगी तभी कार्य करेंगे तो आवेशों के किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से जो उन आवेशों को अनंत से आवेशों के किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों के अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में अनंत से
स्थिति तक लाने में वर्तमान स्थिति तक लाने में वैश्विक बल के विरुद्ध किया जाता है। वैश्विक बल के विरुद्ध किया जाता है किया जाता है। इधर हो गया। वैसे भी आप जानते हैं वैश्विक स्थिति ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्या? वैश्विक स्थिति ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश का मतलब तो आप जान ही रहे हैं। वैश्विक स्थिति ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका मात्र बताएंगे आप लोग? इसका मात्र है क्या है? जूल है। इसका मात्र जूल है। मात्रक जूल है बच्चों, तो विद्युत सूत्र क्या होगा? एनीवन? जो कार्य का होगा। और विभिन्न सूत्र यम यल पावर 2 की पावर माइनस 2 है या यम यल पावर 2 की पावर माइनस 2? विभिन्न सूत्र क्या है? ML पावर 2 की पावर माइनस 2 है, ठीक। लेकिन यह ऊर्जा जो है निकाय के वैश्विक क्षेत्र के में जो है वितरित राशि है। यह जो वैश्विक स्थिति ऊर्जा है ये निकाय के निकाय द्वारा उत्पन्न वैश्विक क्षेत्र में वितरित राशि है। लिखना चाहें लिख लीजिए। लिखिए वैश्विक स्थिति ऊर्जा निकाय द्वारा उत्पन्न वैश्विक स्थिति ऊर्जा निकाय द्वारा उत्पन्न या वैश्विक ऊर्जा निकाय द्वारा उत्पन्न वैश्विक क्षेत्र में वितरित रहती है। वैश्विक क्षेत्र में वितरित रहती है, अर्थात कहीं एक जगह संचित नहीं रहती है। क्या? वैश्विक क्षेत्र में वितरित करती है। अब इसकी गणना करने के लिए मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं। क्या? मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं ए बी। सपोज दैट दो बिंदु आवेश हैं, एक ए है और एक बी है। ये दोनों बिंदु आवेश हैं। क्या? मान लिया दो बिंदु आवेश हैं जिन पर आवेश Q1 व Q2। क्या? आवेश Q1 व Q2 है और इनके बीच की दूरी जो है वो R है। क्या? इनके बीच की दूरी क्या है? R है। अब ध्यान देना है कि आवेश Q1 बिंदु A पर तथा आवेश Q2 बिंदु B पर है, जैसा कि चित्र में हमने दर्शाया है।
अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए प्रारंभ में दोनों आवेश कहाँ रहे? अनंत पर रहे। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या है? नहीं। अब Q1 को जो है अनंत से क्या करते हैं? बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य सर्वक्षण Q1 को अनंत से आवेश Q1 को अनंत से, जैसा कि पीछे बता चुका हूं, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? शून्य होगा। किया गया कार्य W1 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन लिख दीजिए, समीकरण एक। पुनः जो है अब इस पर विभव निकालेंगे कि आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव, क्या आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव V1 बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2। विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, लेकिन दूरी के अनुपात स्क्वायर उसमें नहीं होगी। वन डिवाइड बाई आर, वी वन इक्वल टू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन आर, क्यू वन डिवाइड बाई आर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्यू टू पर जाइए, जरा आगे लिखिए, आवेश क्यू टू को अनंत से लाने में वी जीरो होगा, क्या लिखिए? आवेश को अनंत से लाने पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन बिंदु बी पर बी बराबर रीजन तक लाने में, लेकिन बिंदु V equal V1 क्या V equal to V1 तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य V1 तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W2, W1 तो आपने निकाल लिया है, वहां जीरो है, क्या W1 क्या है? जीरो है। और W2 बराबर Q2, आप उसमें क्या है? V जीरो है, तो V1 माइनस V होगा, अर्थात आप लिखेंगे क्या? V1 माइनस जीरो, या लिख सकते हैं Q2 V1, क्या? या लिख सकते हैं Q2 V1, ठीक, लिख लिया। या आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, या
W2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divide by R. क्या Q1 Q2 divide by R. इसको equation number 3 समीकरण 3 तो आपको जो है 3 समीकरण मिले। अब आगे देखिए दोनों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा आ जाएगी जोड़ देंगे क्या अंदर क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे W1 और W2 को। जब स्थिति जो ऊर्जा पूरी U निकालनी होगी वहां लिखेंगे क्या दोनों आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा अतः है। आगे लिखिए Q1 Q2 less 0 है तो
आप भूलेंगे नहीं। अगर दोनों आवेशों का विलोम संख्या है, जीरो से अधिक है तो पॉजिटिव हो और जीरो से कम है तो निगेटिव होगा। इसका कहने का मतलब है बच्चों, ये दो सजातीय आवेश को एक दूसरे के समीप लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या है, बढ़ती है और जब दूर ले जाते हैं वह स्वयं कार्य करता है, अतः स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। क्या लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्या दो विजातीय आवेशों को समीप लाने पर पहले सजाती को लिख लीजिए, दोनों नोट कीजिए, क्या दो सजातीय आवेशों को नजदीक लाने पर, दो सजातीय आवेशों को नजदीक लाने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्या दोनों एक समान है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। ऐसी स्थिति में निकाय की स्थिति ऊर्जा स्थिति से ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन दूर ले जाने पर, लेकिन दूर ले जाने पर घटती है। दूर ले जाने पर घटती है, ये सजातीय आवेशों के लिए है। इसी तरह यदि दो विजातीय आवेश को समीप लाने पर, इसी तरह को भी ले लीजिए, दो बी जाति यानी पॉजिटिव निगेटिव, दो बी जाति इसी तरह दो बी जाति आवेशों को समीप लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा घटती है और समीप लाने पर निकाय की पाले का उल्टा है, निकाय की स्थिति ऊर्जा घटती है, ठीक, लेकिन दूर ले जाने पर बढ़ती है, लेकिन दूर ले जाने पर लेकिन दूर ले जाने पर बढ़ती है। देखिए अगर सजाती है तो नजदीक ले आएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, और दूर ले जाते हैं तो घटती है। इसी तरह दो विजातीय आवेशों के समीप लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा घटती है, विजाती है ना, और दूर ले जाएंगे तो बढ़ती है। और मान लीजिए यदि तीन बिंदु आवेश हैं, सपोज है कि तो मैं दो बिंदु आवेशों की चर्चा किया, एक मिनट ज्यादा देर नहीं, ये मैं दो बिंदु आवेशों की भी चर्चा किया, और सपोज है यदि तीन बिंदु आवेश है तो उसके लिए स्थिति ऊर्जा क्या होगी, U बराबर क्या करेंगे, बोलिए, नहीं आगे को
तीन बिंदु आवेशन है, यदि तीन बिंदु आवेश है Q1, Q2 और Q3 और उनके बीच की दूरी और उनके बीच की दूरी R12, R23 और R13 है। सबको देख एक फिगर हम बना रहे हैं, ABC त्रिभुज के रूप में मान के 3-4 प्लेन है, यहाँ ABC A है, B है और C है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ Q3 है, ठीक है। अभी फिगर में देखिए यहाँ दूरी जो है, जैसे यहाँ R12 है और यहाँ R23 है और यहाँ दूरी जो है R13। अगर ऐसी स्थिति है तब स्थिति जो ऊर्जा U बराबर क्या होगा, यानी W1, W2, W3 तो U=W1+W2+W3। अभी पहले से निकल है, अर्थात W1 तो स्वाभाविक है, आपका क्या होगा बोलिए, W1 0 होगा और ठीक उसी तरह W3 में Q1 Q3 ऐड हो जाएगा। लिख लीजिए U=0+1/4πε0Q1Q2। यहाँ देखिए तीन की बात हो रही है, क्या हो जाएंगे R12 प्लस दूसरे का W3 जानते हैं, उसमें तीसरा ऐड हो जाएगा, कैसे Q1 Q3 ध्यान लिखा जाएगा 1/4πε0Q1Q3 ऐड करेंगे Q1 Q3 / R13 प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा Q2 Q3 / Q2 Q3 / R23 क्या लिखेंगे R23। अब क्या करेंगे, इसी को कानून ले लेंगे, बात खत्म हो गई। याद लिख सकते हैं अंतिम क्रम में U=1/4πε0 हम ले लिया और बचता क्या है Q1 Q2 / R12 Q1 Q3 / Q1 Q3 / R13 और प्लस Q2 Q3 / R23 ठीक। आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा 5। समीकरण 5 ये तीन बिंदु आवेशों के लिए बात हो रही है, इसकी ऊर्जा क्या, उपर्युक्त समीकरण 5 जो है तीन बिंदु आवेशों के लिए स्थित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बीजगणित की योग का फार्मूला है। अब इसमें जैसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा ठीक इसी तरह उसमें Q1 V1 + Q2 P2 निकाल लेते हैं, बात क्लियर हो गई। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की स्थित ऊर्जा जो है आप इसी तरह निकाल लेंगे।